नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ जवानी जाने मन का फिल्मी रिव्यू। यस, मैंने मूवी देख लिया है, बट अगर मैं मूवी को बताऊँ तो मूवी बहुत ज़्यादा एवरेज लगी मुझे। बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं मज़ा भी आया, कहीं ना कहीं मैं बोर भी हुआ, बिकॉज़ मूवी बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। मुझे लग रहा था मूवी में कुछ ज़्यादा फन होने वाला है, बिकॉज़ सैफ अली खान से थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं यार, बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने अच्छा किया भी है, बट जो फिल्म की जो स्टोरी टाइमलाइन है उसमें मेरे को कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। एक्चुअली मूवी का नाम था जवानी जाने मन, बट मूवी का नाम मिलना होना चाहिए था बेटी को बाप मिल गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था मूवी के अंदर। और मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये लगी कि मुझे लगा कि थोड़ा फन और थोड़ा सा जो इमोशनली जो उसका स्टोरी का जो टाइमलाइन था वो थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था, बट मूवी की स्टोरी की टाइमलाइन के ऊपर इतना काम नहीं किया। बट मूवी थोड़ी सी एवरेज है। अगर आपको मूवी को टाइम पास के तौर पर देखना है तो और कॉर्नर सीट पर मज़े लेना तो आप मूवी देख सकते हैं। मूवी एवरेज है, बस मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बट सैफ अली खान वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है, तो मूवी के अंदर सैफ अली खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वेल डन। और हीरोइन जो कि जिन्होंने उनकी बेटी का रोल किया है बहुत ही कमाल की लग रही है, वो हॉट तो है तो वो कमाल तो लग ही रही है। और मूवी बस एवरेज है। आपको अगर आपको टाइम पास के लिए मूवी देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो बस आज की रिव्यू में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।